आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के हमारे इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं डीप वाटर चैप्टर, जो कि क्लास 12th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। ऐसे आप एक एक करके हम क्या करेंगे इस वीडियो के द्वारा और आगे आने वाले वीडियोस के द्वारा, हम सारे 12th क्लास के चैप्टर्स कवर करेंगे, जिसमें हम समरी देखेंगे। समरी सिर्फ एक सार नहीं देखेंगे चैप्टर का, बल्कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे समरी में, जो भी चैप्टर में इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, एक्सट्रैक्ट बेस्ड, सारे तरीके के क्वेश्चंस हम इजीली जो है अटेम्प्ट एग्जाम में कर पाएंगे। अब ज्यादा दिन बोर्ड एग्जाम के रहे नहीं है और इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ने का अब टाइम आ चुका है, तो इसीलिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले चैप्टर्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। दिन का सिर्फ आपको आधा घंटा देना, आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे जैसे एग्जाम्स आएंगे, सारा कोर्स आपका होता चला जाएगा। लिटरेचर सेक्शन पूरा 30 मार्क्स का है, पूरा कवर हो जाएगा। राइटिंग सेक्शन भी हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, दैट इज डीप वाटर। सबसे पहले हम देखेंगे किसने लिखा है हमारा ये चैप्टर। लिखा है विलियम ओ डगलस ने, ये है ऑथर। साथ ही साथ ये हमारे कैरेक्टर भी है, हमारे प्रोटैगनिस्ट भी है कहानी के अंदर। इन्होंने अपना रियल लाइफ में उनके साथ क्या हुआ था वो इस स्टोरी में बताया गया है। डीप वाटर, गहरा पानी, मतलब ये जो स्टोरी है ये पानी से रिलेटेड है। पानी से रिलेटेड किस तरीके से है कि हमारे जो ऑथर हैं, इन्हें बहुत ज्यादा अपने बचपन में डर हो गया था पानी से, जिसे हम हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, कि पानी से जो लोग डरते हैं, तो वही हमारे ऑथर भी थे। क्लियर। अब इंट्रोडक्शन देखते हैं हम चैप्टर का। इन द स्टोरी डगलस टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो किसके बारे में बात करते हैं, अपने पानी के डर के बारे में वो बात करते हैं इस वाली स्टोरी के अंदर। सो ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर, सबसे पहली चीज, एंड हाउ ही फाइनली ओवरकम्स इट, और कैसे फाइनली वो बचपन का जो उनके अंदर पानी का डर था, वो कैसे उस पानी के डर को ओवरकम करते हैं, उससे ऊपर उठते हैं। एंड हाउ ही फाइनली ओवरकम्स इट विद स्ट्रॉन्ग विल पावर। किसकी वजह से उन्होंने अपना ये डर ओवरकम किया था? स्ट्रॉन्ग विल पावर के कारण। करेज, हार्ड वर्क एंड फर्म डिटर्मिनेशन, मतलब अपनी पूरी जी जान उन्होंने लगा दी थी, पूरी मेहनत करी उन्होंने इसके लिए, दृढ़ निश्चय से उन्होंने क्या किया, अपना ये जो डर था पानी का। यूजुअली जो लोग होते हैं ना, जिनको ये फोबियाज होते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है इनको ओवरकम करना। तो यहाँ पे ये स्टोरी है कि किस तरीके से डगलस ने अपना ये पानी का फियर जो बचपन में उनके अंदर आ गया था, वो धीरे 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 साल दर साल कैसे उन्होंने उस पर अपनी जीत पाई। वंस ही टुक करेज, द फियर वैनिश्ड दैट शोज मोस्ट ऑफ आवर फियर्स आर बेसलेस। और एक बार जैसे ही उन्होंने अपने करेज से उस फियर के ऊपर अपनी जकड़ जमा ली, मतलब वो डर जो है वो उनके काबू में आ गया, उन्होंने उसे जीत लिया, इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे जितने भी डर होते हैं, चाहे वो किसी भी चीज का क्यों ना हो, वो सब बेसलेस होते हैं। मतलब एक ना एक दिन आप उन्हें इजीली ओवरकम कर सकते हो। क्लियर। फियर क्रिएट्स डेंजर्स वेयर देयर इज नन। फियर जो है वो डेंजर क्रिएट करता है, मतलब आपके अंदर एक अलग तरीके का खतरा आपको फील होने लग जाता है। द राइटर्स एक्सपीरियंस फर्दर कंफर्म द प्रोवर्बियल ट्रूथ। और जो राइटर का एक्सपीरियंस है, हमारे डगलस का जो भी एक्सपीरियंस है, वो हमें क्या बताता है, एक कहावत आपने सुनी होगी, जहां पे चाह है वहीं पे राह है, जहां चाह वहां राह, दैट इज वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है, पूरा एक्सपीरियंस हमारे ऑथर का इसी के ऊपर है। तो ये तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, कि देखो हमारे जो ऑथर है उन्हें पानी के अंदर डर लगता है, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिससे उनका जो डर लगना, उनका जो वो फोबिया आना, वो जायज भी था। वो इंसिडेंट्स भी हम सुनेंगे कि क्या क्या थे। अब हमें देखना है थीम क्या है हमारी स्टोरी की। ये हमारे मान लीजिए डगलस है हमारे ऑथर, और उन्हें पानी से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। क्लियर। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द एलिमेंट ऑफ फियर। पूरी जो कहानी है वो डर के ही चारों तरफ घूमती रहती है, सिर्फ और सिर्फ डर के चारों ओर घूमती है। रिवॉल्व्स अराउंड द एलिमेंट ऑफ फियर। एग्जाम में जब आंसर्स लिखते हो तो ये वाले पॉइंट्स लिखने बहुत ज्यादा जरूरी है। आंसर फ्रेम आपको करना आना चाहिए। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 6 नंबर का है। आप स्टार्टिंग से लिखना शुरू करो ना कि ये जो स्टोरी है, ये आपने फर्स्ट लाइन लिखी, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द एलिमेंट ऑफ फियर। क्वेश्चन का पैटर्न बनता है, प्रॉपर आप एक स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखोगे ना, आपको मार्क्स आराम से मिलेंगे। ये चीजें मैंने यहाँ इसीलिए लिखी है ताकि आप अपने आंसर में इन्हें इंक्लूड कर सके। हाउ डगलस हैड टू मिस एडवेंचर्स इन वाटर,
making him obsessed with the fear of water, and how with his determination and with the help of an instructor, he was able to overcome his fear of water. कि किस तरीके से हमारे डगलस के साथ दो दुर्घटनाएं होती है, दो मिस एडवेंचर होते हैं पानी से ही रिलेटेड, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके अंदर पानी का डर बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा डर उनके अंदर हो जाता है, पर वो कैसे अपनी डिटर्मिनेशन से, अपने दृढ़ निश्चय से, डिटर्मिनेशन से और अपने इंस्ट्रक्टर की मदद से, इंस्ट्रक्टर यहाँ पे बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, उन्होंने उसकी बहुत हेल्प करी इस फोबिया से ओवरकम करने में। तो इंस्ट्रक्टर जो है उन्होंने उसका बहुत साथ दिया था कि कैसे वो अपने फियर ऑफ वाटर को ओवरकम कर सकते हैं। क्लियर? तो ये थी हमारी थीम, हमारा जो चैप्टर है वो पूरा फियर के चारों तरफ रिवॉल्व करता है कि कैसे उन्हें डर लगता था और इंस्ट्रक्टर ने उनकी मदद की उस फियर को ओवरकम करने में। क्लियर हो गया? आगे चलें। अगला है हमारा, समरी स्टार्ट करेंगे अब हम। Yes. तो यहां से हमारी समरी स्टार्ट होती है। डगलस डिसाइड्स टू लर्न स्विमिंग अमिड्स फियर। अब जो हमारे डगलस हैं, वो क्या निश्चय करते हैं, वो ये निश्चय करते हैं कि मुझे जितने भी मेरे डर हैं, कोई बात नहीं, जो भी है, जो भी हुआ, मुझे अपना ये जो डर है उसके ऊपर काबू पाना है। When Douglas was about 10 or 11 years, जब डगलस 10 से 11 साल के थे, He decided, उन्होंने क्या decide किया कि वो swimming करना सीखेंगे। कहाँ पर? Pool में। और उस pool का नाम था YMCA in Yakima। बहुत ज़्यादा important है। Question आ सकता है इसके ऊपर। Important लिख रही हूँ मैं इसको कि उन्होंने जो अपनी swimming सीखना शुरू की थी, वो कौन से pool में शुरू की थी? YMCA pool में, जो कि Yakima में था। लिख लो इस चीज़ को। While the Yakima River was considered dangerous for swimming, the pool was जो याकिमा रिवर है वो स्विमिंग के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस मानी जाती थी, जबकि जो पूल है वो एक सेफ साइड होता है। सेफ किस वजह से होता है वो? क्योंकि ग्रेजुअली, जैसे आप पूल देख सकते हो, पूल कैसा होता है, कम हाइट होती है, डेप्थ जो होती है वो कम होती है, फिर धीरे 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 वो बढ़ती जाती है, एक स्लोप बना हुआ होता है, तो इसलिए वो ज्यादा सेफ होता है कि आप जहां पे कम गहराई है वहां पे आराम से अपनी जो एक्सरसाइज है जो प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पे जो स्लोप था पूल का वो 2 से 3 फीट ही गहरा था और शैलो एंड 9 फीट, और जो आगे जाके वो 8 से 9 फीट गहरा हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से स्लोप था। यहाँ पे कम गहराई है, यहाँ पे ज्यादा गहराई है। इक्विप्ड विद अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स ही वेंट टू द पूल। अब वाटर विंग्स जो होते हैं वो लेके और उन्होंने क्या किया, पूल में वो कूद गए। डर तो लगता ही था, उन्होंने डिसाइड किया था अब पूल में अपने वाटर विंग्स लेके वो कूद। At this point, Douglas recalls a surfing experience with his father at the California beach. अब इस point पे क्या होता है? यही point है जहाँ पे उनका डर वापस से आएगा। इस point पे होता है, Douglas को वो याद आ जाता है कि जब वो अपने पापा के साथ surfing करने जाते थे, surfing का जो experience था उनके पापा के साथ California beach पे, कहाँ पर? California। ये जो नाम है ये आपको पक्का से याद रखने, जैसे YMCA pool था, याकिमा रिवर, कैलिफोर्निया बीच, फादर के साथ जाता था वहां पे, और उस समय उनकी एज क्या थी, वो छोटे से 2 से 3 साल के ही थे बस। वो ही वॉज नॉक्ड डाउन फ्रॉम हिज सर्फ बाय अ वेव। अब उस समय क्या हुआ था कि एक वेव आई, एक बहुत ज्यादा तेज लहर आती है और उसकी वजह से वो पूरे उथल पुथल हो जाते हैं पानी में। उनके पापा ने उनको पकड़ रखा था, बट वो वेव की जो फ्रीक्वेंसी थी वो बहुत ज्यादा तेज थी कि वो अपने साथ उन्हें पूरा उस, मतलब होता है ना कि उस लहर में एकदम से उथल पुथल हो जाते हैं। सर्फिंग करते हैं, एक बोर्ड होता है, सर्फिंग बोर्ड आपने देखा होगा, उसके ऊपर खड़े होके सर्फिंग करते हैं। तो उस समय उनके साथ ही हादसा हुआ। ये जो मिस हैपनिंग हुई, ये जो मिस एडवेंचर हुआ उसके साथ, टेरिफाइड हिम एंड क्रिएटेड इन हिम एन एवर्जन ऑफ वॉटर। इसने उन्हें बहुत ज्यादा डरा दिया, एक आतंक पानी को लेके उनके अंदर जो है वो बस गया था, बहुत ज्यादा पानी का डर उनके अंदर उस समय पे आ गया था। When Douglas joined the YMCA, जब Douglas ने YMCA join किया swimming pool, his fear of water was revived. अब जब उन्होंने सोचा कि मैं अपने बचपन का ये जो डर है इसे काबू पाऊंगा, तो उन्होंने YMCA pool join किया। उन्होंने जब YMCA pool join किया तो उनका ये वाला जो डर था, जो पहले जब छोटे थे वो पापा के साथ आया था, वो डर वापस से आ जाता है। क्लियर? बट ही managed, पर वो मैनेज कर पाते हैं, वो थोड़ा सा अपने दिमाग को समझाते हैं। His confidence and imitating other boys started to paddle with his water wings. अब वो क्या करते हैं कि दूसरे बच्चों की तरह, दूसरे बच्चों को देखते हैं पहले वहां पे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, बच्चे बैठे हुए,
और इमिटेट करना शुरू कर देते हैं, उनकी एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। पहले उन्हें देखते हैं कि कैसे वो लोग कर रहे हैं, कैसे तरीके से प्रैक्टिस की जा रही है, उसके बाद वो उन्हें इमिटेट करना शुरू कर देते हैं, मतलब उनकी नकल उतारना शुरू कर देते हैं। एज ही स्टार्टेड टू फील कंफर्टेबल विद टू और थ्री डेज ऑफ एफर्ट, अ मिस एडवेंचर हैपेंड। अब जैसे ही दो तीन दिन होते हैं और वो कंफर्टेबल होते हैं कि अब तो मैं थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूं, मतलब थोड़ा सा उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, उस फियर को हटा के वापस से एक दुर्घटना उनके साथ कर जाती है। अब वो दुर्घटना क्या होती है? द मिस एडवेंचर डगलस स्ट्रगल टू कीप हिमसेल्फ फ्रॉम ड्राउनिंग। अब उनके साथ वहां पे एक दुर्घटना होती है पूल में ही, और उसकी वजह से उनका जो फियर है वो वापस से आ जाता है। अब हम देखते हैं कि फियर क्या होता है, मिस हैपनिंग उनके साथ वहां पे क्या हुई होती है। तो उनके साथ जो मिस हैपनिंग होती है वो, वन डे डगलस रीच द पूल बिफोर एनीवन एल्स। एक दिन डगलस जो है, हमारे नैरेटर है, जो ऑथर है, वो क्या करते हैं, बाकी सबसे पहले पूल के वहां पहुंच जाते हैं। अप्रिहेंसिव अबाउट एंटरिंग द पूल अलोन, ही सैट ऑन द साइड वेटिंग फॉर द अदर्स टू कम। अब अप्रिहेंसिव होते हैं, डर होता है, चिंता होती है किसी चीज की कि भविष्य में कुछ गलत हो सकता है। उस चीज की जब चिंता होती है हमें, वो जो डर होता है, उसे हम अप्रिहेंसिव बोलते हैं। तो अप्रिहेंसिव अबाउट एंटरिंग द पूल, बहुत ज्यादा डरे हुए थे वो कि पूल में किस तरीके से एंट्री की जाए। वो सोचते हैं कि मैं यहाँ साइड में बैठ के ही बाकी लोगों के आने का वेट करूंगा। सडनली अ स्ट्रॉन्ग बॉय ऑफ अराउंड 18 इयर्स अप्रोच्ड हिम। अब मैं कह रही थी ना कि वो मिसहैप क्या होता है उनके साथ, वहां पे पूल में दो तीन दिन कंफर्टेबल हो जाते हैं, सबको देख रहे होते हैं, उसके बाद एक मिसहैपनिंग होती है जिससे वो डर वापस आ जाता है। तो वो मिसहैपनिंग ये होती है कि एक 18 इयर्स का बच्चा उनके पास आता है और उन्हें पूल के अंदर धक्का दे देता है मजे मजे में, जस्ट फॉर द फन ऑफ इट। उसका कोई मोटिव नहीं होता उन्हें परेशान करने का। अपन बहुत सी बार होते हैं पूल साइड में होते, कहीं होते हैं, अपन ऐसे पुश कर देते हैं, उसे नहीं पता था और उसने उसको गहरी तरफ पुश कर दिया। अब ये बहुत ज्यादा बुरी चीज हुई उनके साथ। क्यों? क्योंकि पहले ही पानी से डर लगता था, तैरना प्रॉपरली आता नहीं था, और एकदम से उन्हें फेंका गया, तो वो बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस हो गए कि शिट ये क्या हो गया। तो यहाँ पे डगलस बिगेन टू गो डाउन द वॉटर। अब धीरे धीरे क्या हुआ, डगलस पानी में नीचे जाने लगे, बट ही डिड नॉट लूज हिज विट्स स्ट्रेट अवे। अब जैसे 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 वो पानी में गिरे तो डर तो लगता ही है, पर उन्होंने एकदम से अपना आपा नहीं खोया, थोड़ा दिमाग उन्होंने, मतलब कॉन्शियसनेस रखी थोड़ी, और उन्होंने क्या किया, डरने के, मतलब डरे नहीं वो, इन स्पाइट ऑफ बीइंग टेरिफाइड ही प्लान्ड टू अलाउ हिमसेल्फ टू गो डाउन एंड दैट वन ही हिट द बॉटम। अब उन्होंने एक टेक्निक लगाई कि यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं गिर तो गया हूं, तो यहां पे उन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, अपना दिमाग यूज करना बंद नहीं किया, और उन्होंने सोचा जैसे ही मैं नीचे जाता हूं तो मैं जोर से पैर मारूंगा जमीन पे, जिसकी वजह से मैं ऊपर आऊंगा और फिर मैं एकदम फ्लैट लेट जाऊंगा उसके ऊपर और पैडल करता हुआ कि ना उस पे पहुंच जाऊंगा। टेक्निक सुनने में तो अच्छी लग रही है, सोचा अप्लाई भी हो जाएगी, पर जैसे ही उन्होंने ये टेक्निक अप्लाई करनी शुरू करी, दो बार करी, तीन बार करी, उन्हें रियलाइज हुआ नहीं चल रहा, जितना सोच रहा हूं, जितना प्रेशर से नीचे हिट कर रहा हूं, उतना ऊपर नहीं आ पा रहा हूं। क्लियर? He would jump to the surface of the pool and paddle himself to the edge. जैसा मैंने आपको बताया कि वो जंप करेंगे, सर्फेस तक ऊपर आएंगे, फ्लैट लेट जाएंगे और फिर पैडल कर करके सर्फेस तक पहुंच जाएंगे। As his feet touched the floor of the pool, he tried to execute his plan. अब जैसे ही उनके फीट जो है, पैर नीचे टिके, उन्होंने सोचा कि अब प्लान जो है एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया, जो मैंने सोचा है वो अप्लाई करने का टाइम आ गया। बट ही मूव्ड अप स्लोली, उसने सोचा था कि वो ऊपर तक पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा था, जो ट्रिक सोची थी वो अप्लाई नहीं हो रही थी प्रैक्टिकली। He reached the surface and failed at the water before going down again. अब वो सर्फेस तक पहुंचता और पानी की वजह से वो पूरा फेल हो जाता और वापस से वो नीचे जो है चला जाता था। He panicked and felt suffocated. अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, इंसान थक जाता है, पैनिक करने लग जाता है, क्योंकि सांस नहीं आ रही होती है, तो उसकी वजह से उन्हें सफोकेशन, एक घुटन महसूस होने लगी। बट रिमेंबर्ड हिज स्ट्रेटजी एंड डिसाइडेड टू एम्प्लॉय इट वंस अगेन। पर स्ट्रैटेजी तो दिमाग में थी कि मैं ऐसे कर रहा हूं, तो उन्होंने सोचा अभी हार नहीं मानते, अभी एक बार और स्ट्रैटेजी को हम लगा के देख लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक बार और अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो लगाई। क्लियर? अब देखते हैं आगे क्या हुआ। ये मान लीजिए हमारे डगलस हैं और इन्हें पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो यहाँ पे उन्होंने, किसी ने उनको पुश कर दिया, एक 18 ईयर के बच्चे ने, मजाक मजाक में, तो उन्हें बहुत डर लग रहा है, यही एक्सप्रेशन थे उनके। However, the moment he opened his eyes in the water, terror gripped him. जैसे ही उन्होंने पानी में वो हिट कर रहे थे, तो एकदम से उन्होंने क्या किया, अपनी आंखें खोली, तो बहुत ज्यादा डर
उनके अंदर समा गया. क्यों? क्योंकि ही मेड डेस्परेट एफर्ट्स बट हिज लंग्स एक्ड एज ही गल्प्ड वाटर. बार बार पैनिक कर रहे थे, सफोकेट होने लगे थे, मुंह के अंदर पानी जाने लगा था. ठीक है, कई सारा पानी पी भी गए थे वो, तो बहुत ज्यादा डरे हुए थे वो. इवन दो ही मैनेज टू कम टू द सर्फेस अगेन, ही कुड नॉट सस्टेन देयर एंड बिगेन टू गो डाउन फॉर द थर्ड टाइम. दिस टाइम हाउएवर देयर वाज नो मोर फियर, ही हैड गिवन अप, एक्सेप्टेड डेथ. अब बार 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 वो ही चीज करने के बाद उन्होंने क्या रियलाइज किया कि नहीं हो रहा है, पैनिक कर रहा हूं, बहुत ज्यादा पानी अंदर जा रहा है पेट के अंदर. तो एट द एंड उन्होंने अपना हिम्मत जो है वो हार दी और डेथ एक्सेप्ट कर ली. अब तो बेटा तू मरेगा और अब तेरा कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो पानी में तू है, ना किसी को पता है तेरे को पानी में गिरा दिया गया है, वो बच्चा भी चला गया होगा. बट ही सर्वाइव, पर वो सर्वाइव कर जाते हैं. Someone managed to get him out of the water just in time. कोई एक इंसान होता है जो कि कामयाब रहता है उन्हें पानी से बाहर निकालने में टाइम पे, उनकी डेथ होने से पहले. Nonetheless, the author's fear of water only increased after this fateful incident. तो इस इंसिडेंट से क्या हुआ कि उनके अंदर का जो डर था, उन्होंने YMCA क्यों ज्वाइन किया था, कि बचपन का डर निकल सके, वापस से ऐसा मिसहैप हुआ कि डर खत्म होने की जगह, खत्म होने की जगह बहुत ज्यादा बढ़ जाता, हद से ज्यादा. वो तो बचपन का था, ये तो अभी वो अच्छे खासे 18, 19 इयर्स के हैं, अब उन्हें ये वाला डर लग रहा था, तो आप सोचिए कितना ज्यादा उनके अंदर ये डर जो है वो बैठ गया होगा. अब तो बहुत ज्यादा मुश्किल था उनका ये डर निकलना. डगलस हॉन्टिंग फियर ऑफ वॉटर बिकम्स हिज हैंडीकैप. अब डगलस का ये जो वॉटर का फियर था, इसकी वजह से ये एक तरीके से हैंडीकैप फील करने लगे थे. हैंडीकैप आप सब जानते हैं, तो उनके साथ भी क्या हो रहा था कि उनका ये जो फियर था वाटर का, इसकी वजह से वो हैंडीकैप फील करने लगे थे. ऐसा क्यों? दिस इंसिडेंट हैड अ मेजर इंपैक्ट ऑन द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ डगलस. ये वाला जो इंसिडेंट हुआ, ये जो मिसहैपनिंग हुई, उस इंसिडेंट की वजह से उनकी जो डेली लाइफ थी उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा. बहुत ज्यादा इफेक्ट कैसे पड़ा? डेली एक्टिविटीज में उनके आते थे वेडिंग, कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग, फिशिंग एक्सेट्रा. ये सारे जितने भी वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, वाटर एक्टिविटीज होती है, फिशिंग करना, तैरना, सर्फिंग करना, ये सब वो नहीं कर पा रहे थे. ये सारे एंजॉयमेंट उनका करने का बहुत ज्यादा मन करता था, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे. व्हेनेवर ही वेंट नियर द वाटर, टेरर वुड स्ट्राइक अगेन. जब भी वो पानी के पास जाते, वो वाला डर वापस से आ जाता था उनके पास और दूर चले जाते थे. कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पा रहे थे जितनी भी पानी से रिलेटेड थी, कोई भी नहीं. आप लिख सकते हैं वहां पे कि इसकी वजह से उनकी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा था. तो उनकी लाइफ पे ये इफेक्ट पड़ रहा था कि डेली वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज जो थी वो अपनी नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि वेडिंग, कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग, फिशिंग एटसेट्रा. क्लियर? बार बार क्या होता था, वो जो डर है उनका वो वापस आ जाता था. द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ स्विमर. अब ये सारी चीजें चलती रही, तो उन्होंने क्या सोचा कि इस फियर से डील करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इंस्ट्रक्टर लगाना पड़ेगा, एक इंस्ट्रक्टर होना चाहिए जो मुझे प्रॉपरली सिखाए. स्विमिंग इंस्ट्रक्टर जैसे ही उन्होंने हायर किया, जैसे ही वो स्विमिंग इंस्ट्रक्टर के पास गए, तो उन्होंने एक रिलेंटलेस प्रैक्टिस, उस स्विमिंग इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, उन्हें डेली हफ्ते में 5 बार बुलाता था वो, और डेली एक एक घंटे की प्रैक्टिस करवाता था. Relentless practice. The first exercise involved swimming back and forth the pool. अब जैसे जैसे उनके sessions शुरू हो रहे हैं swimming के, तो उसमें instructor है. Instructor तो proper planning से करवाएगा, धीरे धीरे करके उनका डर ही निकालेगा ना. एकदम से तो गहरे पानी में कूदा नहीं देगा. उसको पता होता है कि swimming का ये जो डर है, पानी का जो डर है, वो किस तरीके से निकाला जाता है. तो वो क्या करता है, अपनी first exercise शुरू करता है जिसके अंदर आता है swimming back swimming करना. मतलब ये एक मान लो पूल है, तो इस पूल में आगे पीछे जाना, ये बैक एंड फोर्थ वाली स्विमिंग विद द इंस्ट्रक्टर के साथ. एंड डगलस बोथ कनेक्टेड टू ईच अदर बाय मींस ऑफ अ रोप, बेल्ट, पुली एंड एन ओवरहेड केबल. अब इंस्ट्रक्टर ने उन्हें किस तरीके से सिखाई उनका डर निकालने के लिए, सबसे पहले उन्हें अपने साथ पानी में उतारा, आगे पीछे ऐसे ऐसे करके स्विमिंग करवाते थे पानी में, पर खुद से बांध के रखते थे रोप से, बेल्ट से. उनके चारों तरफ एक बेल्ट लगा लेते थे और एक रोप बांध देते थे, क्लियर, और एक पुली लगा देते थे, ऐसे उन्हें खींच सकते थे वो उससे. सो दिस वॉज टू मेक हिम कंफर्टेबल इनसाइड द पूल. जैसा मैंने आपको बताया कि ये किस लिए था, ये उनका पूल के अंदर जो डर है उससे बाहर निकालने के, पूल के अंदर जाने का ही उनमें इतना ज्यादा डर हो गया था,
एक पहले फोटो देखी थी ना, वो पूल के पास ऐसे करके बैठा हुआ होता, वही वाला डर था हमारे डगलस के अंदर। तो वो वाला फियर निकालने के लिए ये चीज उन्होंने की कि पहले उन्हें पूल में कंफर्टेबल करवाया, अपने से बांध के रखा, रोप से, बेल्ट से, पुली से, सारी चीजों से बांध के रखा, और उनका पूल का डर उन्होंने कम किया। द इंस्ट्रक्टर देन मेड डगलस लर्न एंड मास्टर इंडिविजुअल टेक्निक्स ऑफ स्विमिंग लाइक पुटिंग हिज हेड इन द वॉटर। ये सारी एक्टिविटीज जो है आप लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वो पूछेंगे कि इंस्ट्रक्टर ने किस तरीके से, क्वेश्चन आता है इंस्ट्रक्टर ने किस तरीके से उनका डर निकाला, सारे पॉइंट्स आपको लिखने होंगे एग्जाम। क्लियर? सो पुटिंग हिज हेड इन द वॉटर, अपना सर जो है वो पानी के अंदर कैसे डालना है, एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग, सांस लेना और छोड़ना किस तरीके से प्रोसेस होती है, हैंड्स की मूवमेंट क्या होती है, बॉडी की मूवमेंट क्या होती है, लेग्स की मूवमेंट क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें उन्हें उन्होंने सिखाई। सून डगलस वॉज एबल टू कॉन्कर हिज फियर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। धीरे धीरे क्या हुआ, डगलस अपना जो डर है उसे काबू पाने में सक्षम रहे। क्लियर? फियर टू अ ग्रेट एक्सटेंट, एक बहुत हद तक उनका जो डर था पानी का वो कम हो गया। 6 months later, he integrated these perfected steps to build a swimmer out of Douglas. 6 महीने बाद क्या हुआ, ये जितने भी steps उन्होंने उसे सिखाए, पानी में सांस लेना, पानी के अंदर फेस अपना डालना, ठीक है, बॉडी की मूवमेंट, हेड की मूवमेंट, लेग्स की मूवमेंट, हैंड्स की मूवमेंट, सारी मूवमेंट्स उन्होंने उसे धीरे धीरे सिखाई, और 6 months के अंदर वही चीज बार बार प्रैक्टिस करके उन्हें स्विमिंग आ गई। पर यहां पर एक चीज हो रही है कि अभी तक वो जितनी भी स्विमिंग कर रहे थे, इंस्ट्रक्टर उनके पास में था, इंस्ट्रक्टर उनके पास में था, तो उन्हें डर नहीं था मरने का, उन्हें पता था कि अगर कुछ होगा तो इंस्ट्रक्टर मुझे बचा लेगा, मतलब कहीं ना कहीं अकेले स्विमिंग करने का डर उनके अंदर अभी भी मौजूद था। तो ये जो अकेले स्विमिंग करने का डर है ये उनके अंदर से कैसे निकला, टू मेक श्योर ही हैड एक्चुअली ओवरकम हिज फियर, डगलस डिसाइडेड टू टेस्ट हिमसेल्फ। अब ये रियलाइज करने के लिए कि क्या सच में मैंने अपना जो डर है पानी का वो खत्म कर दिया है, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं अपने आप का टेस्ट लूंगा, भाई मुझे तो देखना है मेरा डर निकला है कि नहीं निकला, अभी तक तो इंस्ट्रक्टर होता है सामने, मेरी पूरी हिम्मत हो जाती है, मैं देखूंगा अकेले में मेरी कितनी हिम्मत होती है। He was resolute to get rid of it entirely. वो बहुत ज्यादा दृढ़ थे इस चीज को लेके कि मुझे ये पानी का डर खत्म करना है तो करना है। यही डिटर्मिनेशन के चारों तरफ हमारी स्टोरी घूम रही है, यही हमारी स्टोरी का थीम है कि कोई भी डर हो आप उसको विद करेज, विद विल पावर इजिली ओवरकम कर सकते हो, और अगर आपने अगर एक बार डर पे काबू पा लिया तो सारे डर जो होते हैं वो बेसलेस हो जाते हैं। फर्स्ट ही ट्राइड स्विमिंग अलोन इन द पूल, सबसे पहले उन्होंने क्या किया अपने आप को टेस्ट करने के लिए, क्वेश्चन आते हैं ये याद रखना है, फर्स्ट ही ट्राइड, सबसे पहले क्या ट्राई किया, स्विमिंग अलोन इन द पूल, पूल के अंदर अकेले स्विम कर पाए। देन उसके बाद उन्होंने क्या किया, ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ, कौन से लेक में गए वो, लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, जो कि न्यू हैम्पशायर में था, वहां पे वो डाइव लगाने गए, वहां पे वो गोता मारने जाते हैं, कहां पे जाते हैं, लेक वेंटवर्थ, लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। इनिशियली टाइनी वेस्टिजेस ऑफ फियर सीज्ड हिम, धीरे शांति में, मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है कि उन्होंने, ठीक है अकेले मैं इसको देखता हूँ, ट्राई करता हूँ कि मेरा जो डर है वो खत्म हुआ है नहीं, तो धीरे धीरे जब वो शुरुआत करते हैं वहां पे डाइव करते हैं, थोड़ा सा डर उनमें आता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनमें फियर आता है, बट लेकिन ही फॉट दोज बैक, वो उन सारे डरों से लड़ते हैं वापस से, वो उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं डर रहे हैं। एट लॉन्ग लास्ट ही कॉन्कर्ड हिज फियर इन द डाइविंग एक्सपेडिशन इन द वॉर्म लेक, और अंत में क्या होता है कि अपने डर पे वो पूरे तरीके से काबू पा लेते हैं। एट लॉन्ग लास्ट ही कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड मतलब जीत लेते हैं उनका जो डर है उसको, इन डाइविंग एक्सपेडिशन इन द वॉर्म लेक। क्लियर? तो इस तरीके से हमने देखा कि उन्होंने कैसे अपने आप को टेस्ट किया, और वो कहां गए अपने आप को टेस्ट करने के लिए, पहले पूल में टेस्ट किया, फिर वो लेक वेंटवर्थ में गए, और धीरे जब स्टार्टिंग में उन्हें थोड़ा सा डर लगा तो वो डर भी उन्होंने लड़े वो उस डर से, और उस डर को दूर भगा दिया, और इजीली वो आगे स्विम कर पाए। तो ऑथर हमारा यहाँ पे क्या कंक्लूड करने की कोशिश कर रहा है, जो लास्ट सेक्शन है हमारे चैप्टर का, द एंटायर एक्सपीरियंस, जो पूरा एक्सपीरियंस था हमारे चैप्टर में, जो भी एक्सपीरियंस हमने हमारे ऑथर का देखा, मेड हिम रियलाइज, उससे उन्हें क्या रियलाइज हुआ, इन डेथ देयर इज पीस,
डेथ के अंदर क्या होता है? पीस होता है. ही कोट्स रोजवेल्ट. रोजवेल्ट को उन्होंने कोट करते हुए बोला, रोजवेल्ट एक राइटर है, उन्हें कोट करते हुए बोला, उनका कोट है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ. पूछ सकते हैं वो, उन्होंने क्या कोट किया था रोजवेल्ट का? ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ. हमें सिर्फ एक जो किस चीज का डर लगना चाहिए वो है डर का ही. अगर एक बार हमने उसे ओवरकम कर लिया तो सारे जो डर है वो बेसलेस हो जाते हैं. एंड स्टेट्स हाउ हिज एनकाउंटर विद डेथ स्ट्रेंथेंड हिज विल टू लिव. और बताते हैं कि किस तरीके से जब उन्होंने मौत को देखा सामने, जो सबसे पहला था जब 2-3 साल के थे अपने फादर के साथ, तब भी उन्हें लगा कि वो मर गए. दूसरा जो एनकाउंटर हुआ, मिसहैप हुआ, जब वो पूल में, YMCA पूल में होते हैं और बच्चा धक्का दे देता है और वो ऑलमोस्ट मर ही गए होते हैं, टाइम पे उन्हें बचा लिया जाता है, तो तब भी उन्होंने डेथ एक्सेप्ट कर ली होती, मतलब डेथ को बहुत पास से देख लिया. तो जब दो बार वो फियर उन्होंने महसूस कर लिया था और उसके बाद उसको ओवरकम किया, एक बार डेथ ही देख ली तो उसके बाद क्या बचता है, फियर तो अपने आप चला जाता है. तो उसी डेथ के एनकाउंटर ने उन्हें स्ट्रेंथन किया, ताकतवर बनाया और जीने की शक्ति दी. अब हमने देखा, ये हमारा चैप्टर इस तरीके से कंप्लीट हुआ कि कैसे, सबसे पहले इसमें 3-4 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. उनका डर क्या था, वो 2-3 इंसिडेंट्स कौन से थे जिनकी, जिनसे वो डरते थे, कौन से मिस एडवेंचर हुए थे उनके साथ जिनकी वजह से उनके अंदर ये वाला डर जो है वो आ गया था. तीसरी चीज, इंस्ट्रक्टर ने किस तरीके से उनकी हेल्प की. तो हमें ये सारी चीजें, इंसिडेंट्स जैसे जैसे मैंने बताया, इंस्ट्रक्टर ने कैसे हेल्प की वो भी मैंने आपको बताया. लास्ट में क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि उन्होंने कैसे अपने आप को टेस्ट किया कि मेरा जो फियर है अंदर पानी का वो खत्म हो चुका है. तो ये भी मैंने आपको बताया, पहले उन्होंने पूल में गए, फिर वो लेक वेंटवर्थ में जाते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे अपना जो फियर है वो कॉन्कर कर लेते हैं. क्वेश्चंस कैसे आते हैं, विच टू इंसिडेंट्स इन डगलस अर्ली लाइफ मेड हिम स्केर्ड ऑफ वॉटर. कौन से दो इंसिडेंट्स थे, पापा वाला एक तो, और एक जो YMCA लेक पे होता है. हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर टर्न डगलस इनटू अ स्विमर. बताए थे सारे स्टेप्स लिखने हैं कि किस तरीके से इंस्ट्रक्टर जो है वो डगलस को एक स्विमर में कन्वर्ट करता है. सबसे पहले वो उन्हें अपने आप से बांध के रखता है ताकि पूल का उनका डर, कि पूल में वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करवा सके. फिर वो उन्हें सारे वो सिखाता है, स्टेप्स सिखाता है कि पैरों के साथ, हाथों के साथ, बॉडी के मूवमेंट्स और इनहेल एक्सहेल कैसे करना है, ये सारी चीजें, पैडल कैसे करना है, ये सारी चीजें वो उन्हें सिखाते हैं. और 6 महीने की प्रॉपर प्रैक्टिस के बाद हमारे जो डगलस हैं वो एक प्रॉपर स्विमर में तैयार हो जाते हैं. What efforts did Douglas make to get over his fear of water? कौन से efforts Douglas ने लगाए जिससे उनका जो डर था पानी का वो overcome हो गया? Starting में तो उन्होंने instructor रखा. Instructor ने उन्हें अच्छे से सिखा दिया. अब उन्हें लगा कि जब तक instructor रहता है तब तक तो मैं swimming कर लेता हूँ, कि क्या उसके बाद भी मैं कर पाऊंगा. तो उन्होंने अपना टेस्ट लिया. टेस्ट लिया जब उन्होंने अपना, तो उन्हें स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा तो डर लगा, पर उन्होंने उस डर को अपने ऊपर हावी बिल्कुल नहीं होने दिया. क्लियर? उन्होंने उस डर से लड़ाई की और उस डर को साइड में रख के लगातार 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 तैरते रहे, जिससे उनका जो पूरा डर था वो एकदम से खत्म हो जाता है. तो यही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो कि पूछे जाते हैं आपको. मेनली ये जो इंसिडेंट्स हैं कि कैसे इंस्ट्रक्टर ने उन्हें सिखाया, कौन कौन से उनके डर थे, वो कहां कहां पे गए थे स्विमिंग सीखने के लिए, कौन सी मिस हैपनिंग्स उनके साथ हुई थी, ये सारी चीजें उनसे पूछी जाएंगी. क्लियर? तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है डीप वाटर वो यहाँ पे खत्म होता है. अगर आप समरी और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, या आपके और भी कोई सजेशंस हैं जिस तरीके से आप चाहते हैं कि आपके चैप्टर्स कवर किए जाए, तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं. आप चाहते हैं और ज्यादा क्वेश्चंस करवाए जाए तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में. आपके सजेशंस जो है वो आप सारे के सारे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें. ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू. क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर.